वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज विकास मवादी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो जैसा कि आज आप सबको पता है, नवदुर्गे स्टार्ट हो गए हैं और हम साथ में सत्यम भाई और ब्राट भाई जो है साथ में आए हैं काली माता मंदिर पे। आप सबको सब कुछ इस बारे में पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। क्या बोलना चाहोगे सत्यम भाई? बस आ जाए, माता रानी ने हमें बुलाया है, माता रानी कृपा तभी आज हम यहाँ पर आए, वरना इतना टाइम निकाल के वरना बिल्कुल ही आज तो कोई पॉसिबिलिटी लगी नहीं रही थी कि अब हम आ पाएंगे, मगर फिर भी माता रानी ने हमें बिल्कुल बुलाया और हम यहाँ पर आ गए। जोर से बोलो जय माता दी। ब्राइट भाई का अभी तक कोई सीन शॉट नहीं था, लेकिन ब्राइट भाई भी आए हैं, वो भी हम लेके आए हैं। चलिए अंदर दिखाते हैं कैसा दृश्य है, बने रहिए। फाइनली हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और बाकी चलते हैं आगे। मंदिर है सामने हमारे और बहुत कम भीड़ है। क्या बोलते हो ब्राट भाई, पहले के मुकाबले में अब क्या? कुछ भी नहीं है भाई, 1% है, 1% भीड़ है। कह सकते भाई पिछली बार भी ज़्यादा थी, नहीं पिछली बार तो इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं है। बाकी चलते हैं हम लोग और दिखाते हैं आपको। अरे पहले भी बहुत भीड़ हो जाती है। तो गाइस ये है माता के मंदिर का पूरा परिसर, आप देख सकते हो। इतने कम श्रद्धालु यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रहे हैं, काफ़ी कम भीड़ है, बाकी तो भर जाता है ये पूरा। तो गाइस सामने ही है माता का मंदिर, आप देख सकते हो, और पहले के मुकाबले इस टाइम काफ़ी कम भीड़ भाड़ है। पिछले साल भी हम लोग आए थे, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, क्योंकि पिछले साल भी काफ़ी कम भीड़ थी और इस टाइम भी। और एक चीज़ और बतानी है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, आप अगर आ रहे हो तो मास्क लगा के जरूर। और बाकी निकलते हैं यहाँ से बाहर, और मंदिर पहले से काफ़ी अच्छा हो गया, सज गया, अच्छा सा लग रहा है, लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, आप देख सकते हो सामने। तो भाई ये था मेन गेट जिससे हमने एंट्री मारी थी, इधर है मंदिर और इधर से अब हम निकलते हैं बाहर। आओ ब्राट भाई। तो गाइस आप देख सकते हो पहले में के मुकाबले में और अब के मुकाबले में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, और आप आसानी से आके यहाँ पे प्रसाद चढ़ा सकते हो। नो डाउट 9 दिन तक बहुत ही मस्त माहौल रहने वाला है यहाँ का, और मंदिर पहले से काफ़ी खूबसूरत नज़र आता हुआ। और बाकी अगर हम दिन में आते तो आपको और अच्छे से दिखा पाते पीछे तक मंदिर का सीन, और इधर भी काफ़ी सारे मंदिर जो हैं बन चुके हैं पहले के मुकाबले में। तो अब जाते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे का कैसा सीन रहने वाला है। तो गाइस हम निकल आए प्रसाद चढ़ा के इधर से, मंदिर का ये मेन द्वार है, और इधर से चलते हैं अब हम लोग वापस। अपने जूतों की बारी का इंतजार करते हुए हैं। तो ये सामने गुरुद्वारा जो हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, और देख सकते हो इधर मंदिर के जस्ट सामने है ये, और इधर भी काफ़ी सारे मंदिर है वैसे तो। तो गाइस ये वाला जो मेन रास्ता आप देख रहे होंगे, ये मेन रास्ता आता है मार्केट में से, और इधर है हमारी पार्किंग। अभी हम पार्किंग की तरफ चलते हैं और बाकी दिखाते हैं, पार्किंग को भी हमने दिखाया नहीं था। और ये मेन रास्ता है, और इधर मंदिर है, और इधर ही सामने है गुरुद्वारा, आप आ सकते हो यहाँ पे, आपको मंदिर भी मिलेगा, आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती है।
और इधर पार्किंग है, बाकी इधर चलना है अभी हमें। तो गाइज इस वीडियो में इतना ज़्यादा कुछ तो था नहीं, आज पहला नवरात्रा था तो आपने मंदिर का माहौल देख ही लिया होगा कैसा है। आप अगर मुरादाबाद से हैं या मुरादाबाद से बाहर से हैं तो आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं, मास्क लगाना अनिवार्य है। और बाकी ओवरऑल वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं मुरादाबाद से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल एंड जय माता दी।